हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं थोड़े ना शेयर करने वाली हाँ रेडीमेड स्टाइल फ्रॉक विद फ्रिल नैक कटिंग एंड स्टिचिंग ऑफ शोल्डर्स। उदे लिए मैंने स्टिच करने दे लिए मैं लिया सीगा यह 3 मीटर कपड़ा टॉप नू स्टिच करने दे लिए। तो सो ये वाला जिहड़ा टॉप सीगा इन मैं सब तो पहला डबल फोल्ड किया, सेम इहदियां आर्म्स नू भी इदां ही डबल फोल्ड किया। तो डबल फोल्ड करन तो बाद जिहड़ा इहदा घेरा सीगा उहनू मैं थोड़ा जिहा गोल टाइप दे विच इहनू कट करिया सी। तो उस तो बाद नैक्सट के मैं 7.5 की लेंथ ली सी मोडे की, 3 मीटर जी ली सी ब्रैथ। उस तो बाद ट्रैंगल टाइप हाफ ट्रैंगल टाइप के कट कर दिता से। एक चीज़ उसे ध्यान रखनी है जो इनू कट करना है तो उपरली साइड तो आर्म्स एंड जो थोड़ी फ्रॉक है 2 इंच का निशान लगा के उपर जिहड़ा मतलब उन्हें कट नहीं करना है, फोल्ड कर देना इदा ही। तुसीं दोनों आर्म्स एंड जो थोड़ी फ्रॉक है दोनों फोल्ड करन तो बाद अपना जिहड़ा मोडे की काट है वह पानी है 7 या फिर 7.5। उस तो बाद अपने दी कटिंग कर ली है, नाल ही लगाऊंगी फिटिंग दिया मतलब जो है ना निशान ने अब तुसी अपने अकॉर्डिंग अपनी फिटिंग दिया निशान जो लगानिया ने। सेम जिदा तुसी कमीज़ दी मतलब कटिंग की है उदा ही सेम आर्म्स दी भी सेम मतलब कटिंग होगी। सो हुण कटिंग तो हो चुकी है, हुण आपां इहनू करांगे स्टिच। स्टिच करन दे लई सब तो पहलां जिहड़े आपां ने बाजू दी मतलब जो भी मोढ़े दी है ना कट करिया सीगा ट्रैंगल टाइप दे विच उहनू सब तो पहलां एक साइड ते एक बाजू नू ऐड करांगे, दूसरी साइड ते दूजी बाजू नू ऐड करांगे, लास्ट स्टैप दे विच फिर दोनों नू आपस दे विच ऐड कर दांगे। सो आपां ने उपर जिहड़ा बाजू एंड फ्रॉक के 2 इंच का उपर फोल्ड करन दे लई कपड़ा छड्डिया सीगा वो ऑल राउंड ही हुण आपां नू सारे नू फोल्ड करांगे। सब तो पहला सो ये फोल्ड हो चुकिया है। तो नैक्सट स्टैप के जिहड़ा आपां ने यह 2 इंच का फोल्ड किया सेंटर के एक स्टिचिंग होर होगी, तो इनू आपां स्टिच करांगे पहला सेंटर के क्योंकि फस्ट स्टैप के जिहड़ा नीचे वाला स्टैप होगा उस आपां पावांगे इलास्टिक एंड उपर वाले स्टैप जिहड़ा इदां ही वो बल मतलब फ्रिल टाइप थोड़ा जिहा। सो नाल ही जिहड़ा मैं इलास्टिक लिया सीगा मेरे मोढ़िआं दी मतलब लेंथ सीगी 21 इंच की। सो मैं ये जिहड़ा इलास्टिक सीगा 21 इंच का लिया सीगा, तुसीं अपने अकॉर्डिंग जिन्नी थोड़ी लेंथ होगी उदा तुसीं लै सकते हो। उस बाद नैक सी जी फ्रिल वाली वो रेडी हो गई सी, तो नाल ही मैं आर्म्स के उत्ते लैस नू लगा दिता सी। तो मैं लैस जी जी ये कॉटन की यूज़ की सी, तो मैं आर्म्स के उत्ते डबल मतलब लगाई सी, तो घेरे के उत्ते मैं सिंपल स्टैप के ही सिंपल ही लगाई सी मतलब 1 स्टैप के इतने मैंने आर्म्स के उत्ते डबल स्टैप के लैस नू लगाया सी। उस तो बाद मैं फिटिंग दी मतलब फिटिंग करती सी सारे ये फ्रॉक की। उस तो बाद फ्रॉक जी ओवरऑल रेडी हो चुकी सी, बट मैं एक थोड़ी जी बटरफ्लाई बनानी सी। बटरफ्लाई बनाने के लिए सर्कल एंड स्केयर टाइप के मैंने डबल कपड़ा लिया, तो मतलब ऑल 4 साइड्स मैं इन्हें स्टिच किया। तो स्टिच करने तो बाद सेंटर के सर्कल लगाया, तो फिर उस तो बाद सीधा किया, तो उस तो बाद जिदा एक मतलब सर्कल नू सेंटर के जिहड़ा स्केयर सीगा उन्हें थोड़ा जिहा है ना लगा लो कि रैम्बोज टाइप के मैं उन्होंने स्टिच करके बटरफ्लाई तैयार की सी। सो फाइनली ये जी लुक सी मैं सलवार जी यदि मैं मतलब नहीं दिखाई क्योंकि ओवरऑल सबनों आती ही है, और ओवरऑल ये जी फ्रॉक सी रेडीमेड ये हुण तैयार हो चुकी है। सो थोनू यह रेडीमेड फ्रॉक विद फ्रिल नैक किदां लगी कमेंट करके जरूर दस्सो, लाइक भी करो शेयर भी करो, इदा ही हसदे रहो खुश रहो। अल्लाह हाफिज़।